इस वक्त हम मौजूद हैं जिदखाड़ नाला के मुकाम पर। दरिया जो जिदखाड़ नाला है उसमें अब तक तुगयानी है, पानी ज़्यादा है इस वक्त भी। ये जो मराकम में आप देख रहे हैं ये शराह कराकुरम है, जो गुज़िश्ता रोज़ सैलाब की वजह से यहाँ से ये जगह टूट गई है, और इस वक्त इसकी बहाली पे काम भी किया जा रहा है। जो DHC वापडा की कंपनी है यहाँ पे, वो इस पे इस वक्त सर्वे कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ये रोड जो है इसको बहाल किया जाए। और दीगर यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन पूरे कमेला सिटी को, जो यहाँ करीबी शहर है कमेला दासू, वहाँ के लिए पानी मुहैया करता था, जिसके टूटने की वजह से पूरे कमेला में पानी की जो दस्तियाबी है वो नागुजीर है। इस वक्त पानी नहीं है, सबसे बड़ा मसला है। और रोड की बहाली पे जल्द अज जल्द काम हो रहा है। यहाँ पे साथ में एक ब्रिज है, छोटा सा ब्रिज, वो भी इस वक्त काफ़ी डैमेज हो चुका है। अब इंजीनियर्स का कहना है फिलहाल ये पुल तो ट्रैफिक के लिए पता नहीं यूज़ किया जा सकता है या नहीं, उसकी भी सर्वे की जा रही है, उसे देखा जा रहा है। और लोग इस वक्त हैं, ये मामूली सा रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने, इस पे से गुजर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही ये रोड बहाल किया जाएगा। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया गुज़िश्ता रोज DC साहब खुद यहाँ आए थे, उस बारिश में उन्होंने देखा, रोड का मुआयना किया, और वापडा वालों की मशीनरी के थ्रू और वापडा की टीम भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। उम्मीद है ये रोड जल्द अज जल्द खुल सकेगा। और मुसाफरीन जो इस रोड पे शाहराह कराकोरम पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है फिलहाल यहाँ पे ना आए। जो मकामी लोग हैं इर्द गिर्द के, उनके लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानब से टेंट सर्विस का भी आगाज़ किया जाए, उन्होंने टेंट लगा के इंतजारगाहें बनाई जा रही हैं, और जल्द अज जल्द इस रोड को बहाल किया जाएगा।